गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। मैं हूं अमन की चमन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज क्या है? 2020 था और अब 2021 आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। और यस, हम लोग एक साल हो गया हमें साथ में। सो आप लोगों की विशेष चाहिए कि ऐसे हम लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों तक पहुंचता रहे और हम व्लॉगिंग करते रहे। यस, आप लोग का बहुत बहुत सारा प्यार चाहिए। और ये हैव अ लुक एट दिस व्यू। ये हमारा रूम का व्यू है जो हम सुबह आपको रात को आपको नहीं दिखा पाए थे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग गुरुद्वारे के लिए निकलेंगे, है ना? तुम लोग और कुछ नहीं, बस चलो। बस चलो। मेरी प्लेट में जो ये चार चीज़ें हैं ना, इनमें से सबसे फेवरेट चीज़ जो मेरी है वो ये है एंड चमन की भी यही है। तो हम लोग हमेशा इसी पे लड़ते रहते हैं। अभी आखिरी की दो बजे ये दोनों मैं खाऊंगा। इतनी एनिवर्सरी की विशेज आई है ना कि ये बहुत ज़्यादा एनिवर्सरी हो गया है। ये कंटिन्यूस बिजी है, इसको थकावट हो गई है। इतने अच्छे होटल में आकर के इसको थकावट हो गई है तेरे को है? देख सारी हरकतें ऐसे रिकॉर्ड कर करके ना व्लॉगिंग पे डालूंगा मैं सारी। ये मेरा भाई है, मासी जी का बेटा सागर, है ना? हाँ, सागर छत पे लेके जाएगा हमको। चलो सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के टेरिस पे। भाई वाह, बधाइयाँ, बड़ी छेती। एंड आई एम श्योर कि ये बहुत बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। दरबार साहिब नु मत्था टेको जी इधरों। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आज गुरुपूरब है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो आज बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज पूरा गुरुद्वारा बहुत अच्छे से सजाया हुआ है और बहुत भीड़ है, देख सकते हैं आप। हम सूट पहना है मैंने आज, काफ़ी हैवी सूट पहना है। शादी के समय काफ़ी सारे हैवी सूट्स हमको मिले थे, सो लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं पहन ही नहीं पाई। सो आज मैंने काफ़ी हैवी सूट डाला है और ये मुझसे संभल नहीं रहा है। सारी तरफ से मैंने टक इन किया हुआ है कि मुझसे थोड़ी संभल जाए, बाकी देखते हैं इसको पहन के मैं अपना दिन कैसे पास करती हूँ। ये दिन का व्यू, ये चमन जाती है। चमन देखो कितनी सुंदर लग रही है ये सूट में। और ये दिन का व्यू, ये इधर गोल्डन टेम्पल। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ओ चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ आज गुरुपुरब करके ना। दर्शन वेखण कारणे सगली उलट पई लोकाई
सगली उलट पई लोकाय, सगली उलट पई लोकाय, सगली उलट पई लोकाय, दर्शन वेखण कारणे सगली। कौन है ये? वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। ये दिल है, ये चमन की दोस्त है ये, और ये 2 साल बाद इसको मिल रही है ना। हाँ, और कोइंसिडेंस देखो, दोनों ने सेम, बिल्कुल सेम टू सेम पहना है। सास श्री अकाल, वो सास आए हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। कहा जाता है कि जब भी गोल्डन टेम्पल आओ तो यहाँ जरूर आओ। प्रसाद, सगली उलट पई लोकाई, सगली उलट। और ये लंगर एक बार हो चुका है, अब ये लोग उठेंगे फिर दूसरे लोग बैठेंगे। टूटे बर्तन, तो ये बहुत अच्छी कला लगती है इस तरीके से यहाँ से लेकर के, और ये आगे ऐसे थाली आगे जाएंगी और सब आगे जो है धोने के लिए हैं, सब आगे इस तरीके से धुलाई होती है। जितने भी झूठे बर्तन हैं सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से सब लोग यहाँ पे सेवा करते हैं और ये यहाँ पे इकट्ठे होकर। ये सेवा चल रही है, कोई मटर छील रहा है, कोई भिंडी काट रहा है, ऐसी सेवा चल रही है। बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे जो हरिमंदर साहिब है, गोल्डन टेम्पल को थोड़ा सा मेरे ही है ना, आई मीन पास ही हिंदी वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। और जो लोग गोल्डन टेम्पल आते हैं वो लोग बहुत कम ही यहाँ पे आते हैं, तो ये ब्लॉग में ये बताना चाहूँगा मैं कि जो भी सबसे गोल्डन टेम्पल आते हैं वो बाबा दीप सिंह जी के इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर जरूर आए। और इसके साथ में रणजीत सिंह जी हैं, ये रणजीत कौर जी मासी जी हमारी हैं, ये यहाँ पे सेवादार हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आगे निकली है और किचन में इस तरीके से सेवा होती है। सो अभी डबल जी मैंने कि यहाँ पर गोल रोटी रोटी रखी है क्विंटल आटा, मतलब सौ किलो आटा एक घंटे में बन जाती है, जिसकी लगभग 3,000 से 3,500 रोटियाँ बन जाती है एवरी डे। वो 10 से 12 घंटे रोज मशीन लगी लक्ष्मी सिद्ध नाम सवाई।
कुछ शॉपिंग करते हुए। शबनू कौन सी चुन्नी खरीद रही है? फुलकारी चुन्नी। जला रहे हैं ये अमन। मेला सुन शिव रात दा बाबा अचल बटाले सुन शिव रात दा बाबा अचल बटाले आई दर्शन वेखण कारण सगली उलट पई गुरुद्वारे में चढ़ाया है। और ये प्रसाद है, पकड़ो ये वाला पैकेट। और ये प्रसाद है जो हमने सबके लिए वहाँ पे लिया है, जिन जिनों ने हमने कहा था कि माथा टेकाना हमारे साइड से। हेलो फ्रेंड, प्रसाद खा लो। सबको नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही मिलता है यहाँ का प्रसाद, यहाँ का लंगर। और ये है जो हम ट्रैवलिंग के लिए ले सकते हैं सब लोगों के लिए, तो ये हम बिल्कुल जाके बांटने वाले। दर्शन वेखण कारण सगली उलट पई लोकाई दर्शन वेखण कारण सगली उलट पई लोकाई सगली थोड़े से हड़बड़ी में हम, क्योंकि हमारी ट्रेन है और हम को थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं अपने प्रोग्राम से। सो अभी हमने काम डिवाइड कर लिया है। अमन जो गए हैं वो शूज कलेक्ट करने गए हैं और मैं जो जा रहा हूँ मैं कमरे पे जा रहा हूँ क्योंकि ठंड हो गई है, मुझे जैकेट चाहिए। वी हैव डिवाइडेड आवर वर्क, फटाफट में रूम जा रही हूँ। बहुत ही तगड़ी फायर बैक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ की फायर बैक खैर होती ही अच्छी है। उसके बाद हमारी ट्रेन भी है, सो मैं चेंज करूँगी फटाफट और फिर मैं अमन से मिलूँगी बाहर पे। और अभी मैं जा रही हूँ लिफ्ट पे। सो आई हैव चेंज और मैं वेट कर रही हूँ। अब मैं अमन के पास जा रही हूँ, वेट कर रही हूँ लिफ्ट का और अमन के पास जा रही हूँ। और बस उनकी जैकेट ले ली है।
थक गए थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं घर के लिए, जैसे सामान ले रहे हैं। अच्छी शॉप है यहाँ पे, आप आ सकते हो। जो तू खाएगी। फाइनली मैडम हैज कम टू बाय अ टेडी बियर। ओह माय गॉड, क्या ले रहा है? अब तो दिला नहीं रहा, तो मैं खुद ही ले रहा। कौन सा वाला ले रहा है? है हैगी किंग फुलकारी। यहाँ की सारागढ़ी सराय है, जहाँ पे आप बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा कमरा लेकर के स्टे कर सकते हो। लुक एट द व्यू, ये व्यू है, ये रोड है और ये यहाँ से सीधा दरबार साहिब का रास्ता है। मेरे ख्याल में ये अमृतसर की बेस्ट दुकान हुई। गुप्ता पंजाबी के नाम से दुकान है और इनकी दुकान की जो खास बात है वो ये है कि इनकी दुकान पे ये डॉग्स को इन्होंने शेल्टर दिया। की नाम भाजी है ना दा? एदा ना किएगा? है? पुखी। एदा ना आएगा? पुखी पुखी पुखी। सारा दिन पुखी रहती है, सारा दिन पुखी रहती है। एदा ना बकरी कुछ नहीं लेना था इस दुकान से, जस्ट बिकॉज तुमने डॉग्स को शेल्टर किया हुआ तो मैं इनसे एक तो जूती लेके जाएगा। तो आप लोग जब भी आओ यार इस दुकान पे जरूर आओ, ठीक है भाजी? थैंक यू। तेरा फीडबैक देना, फीडबैक दे दो। किस चीज का फीडबैक? कैसा रहा ट्रिप, कैसे रही आज का दिन? अरे तेरे साथ सब अच्छा, सब बढ़िया। थोड़ा थक गया हूँ लेकिन बहुत बढ़िया। अब बस थोड़ी देर सोना है। आप सोएंगे? सोएंगे। चाय कॉफी मैगी टमाटर सो गाइस फाइनली हम ट्रेन में हैं और हमारा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थक गए हैं बहुत ज्यादा बिकॉज एक तो गुरुपुरब था और फिर हमारी यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशन भी था, तो बहुत अच्छा हो गया होगा। आप बस थक गए हैं बहुत ज्यादा, थक गए हैं और सुनना चाहते हैं। हाँ, अब हमारे पास कुछ नहीं बताने का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो एनिवर्सरी गिफ्ट समय से कर देना, कर देना। चलो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।